Start the beat. Marina, say you'll be back to look, Marina. Gone with no name.
Lagi di pasar, lagi di pasar, lagi di tuh ayam doang sini.
Pop G Lovers. Yeah.
कुछ डरता रहता अंदर आया था। कौन जानता था कि वो सहमा सा लड़का आज आप सबके सामने खड़ा होकर अपनी फेयरवेल स्पीच दे रहा होगा। वैसे तो मैंने अपनी पूरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी तरह एंजॉय करी, लेकिन ये जो आखिरी के कुछ साल थे इसे मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ के हर एक कमरे, हर एक इंसान से मेरी इतनी यादें जुड़ी हुई है कि आज मन करता है कि काश ये स्कूल के दिनों का एक सब्सक्रिप्शन एक साल के लिए फिर मिल जाता। यहाँ का हर एक त्यौहार, हर एक फेस्ट मेरे लिए अपने जीवन की सबसे अच्छी यादें बनकर रहेगा, चाहे वो हमारा एनुअल डे की प्रैक्टिसेस हो या स्पोर्ट्स डे के टाइम में बिताया हुआ वो भागा दौड़ी वाला वक्त, एग्जीबिशन में साथ बिताया वक्त या रुक्मिणी बाई के टाइम पे एडिटोरियल बोर्ड का काम। हर एक का अपना ही एक मजा था। मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि मैं इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ जिसने मुझे हमेशा पढ़ाई में ही नहीं बल्कि हर चीज़ में सपोर्ट किया है जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो। वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन की तैयारी वाला वक्त मैं कभी नहीं भूल सकता। जैसे जैसे साल बीतते गए, हम अपने एग्जाम्स देते गए, नई बुक्स आती रही और उस पर कवर चढ़ते रहे, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि जब स्कूल के आखिरी साल आएगा तब क्या करूँगा। स्कूल छोड़कर जाना इज लाइक लीविंग द मोस्ट लविंग फैमिली एवर। मेरी ज़िंदगी में मेरे टीचर्स और दोस्तों की क्या अहमियत है ये मैं बयान नहीं कर सकता। अगर किसी को धन्यवाद करना हो तो मैं थक जाऊँगा, लेकिन मेरी लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। वो मीनाक्षी मैम के कैबिन के पास सुबह में वेट करना या देवी मैम के साथ क्लास में मस्ती करना, पाटा सर का जॉन एब्राहम से फोर्स को एक्सप्लेन करना या बाले से टॉर्क को एक्सप्लेन करना, केमिस्ट्री मैम के साथ क्विज खेलना या रेणुका मैम के साथ हमारे बचपन की बातें करना, श्रीनिवास सर का हंसने वाला अंदाज देखना या मैत्री मैम के साथ कोई इवेंट की तैयारी करना, श्रीवली मैम का रोज़ अपने बायो स्टूडेंट्स को बुलाने आना या मैं करुणा मैम के पास जाके बहुत सारी बातें करना, रश्मि मैम का नुक्कड़ नाटक हो या उमा देवी मैम की एक फूल की चाह या श्रवंती मैम का मुझे हर बात पे कुछ ना कुछ बोलना या डांटना, वेंकट सर का अपने एनसीसी के बच्चों को जमा करना या कोमल मैम को अपने टॉक्स बनाते हुए देखना, अपने दोस्तों का डब्बा खा जाना या प्रियंका के साथ पूरा टाइम लड़ना, अपने सभी दोस्तों को लाल बेंच पे बैठा कर मस्ती करना या कंप्यूटर लैब में हंसना हंसाना, सब मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पल है। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने आप में से किसी भी इंसान का नाम मिस किया हो, लेकिन मैं आप सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। थैंक यू फॉर बेरिंग सच अ ड्रामेबाज एज योर हेड बॉय एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द एंडलेस मेमोरीज दैट आई हैव फ्रॉम दिस स्कूल। थैंक यू सो मच। The answer was quite good, but you know it's always that we choose the best, so even nevertheless. Baby mom,